रेलवे लाइन के पास तोड़दड़ा में नाले में एक लाश आधी बाहर थी आधी नाले में पड़ी थी और मिली थी। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत तोपदड़ा के नाले में हलवाई का शव मिला, तो वहीं बड़लिया गांव में करंट से जेसीबी ऑपरेटर की हुई मौत। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव सौंपे परिजनों को। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत मंगलवार सुबह तोपदड़ा नाले में एक अधेड़ का शव मिलने की सूचना पर पहुंचे पुलिस जाब्ते ने शव को नाले से निकलवाकर जेलन अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया, जहाँ उसकी पहचान गुलाब शाह कथकिया तोपदड़ा निवासी रूपचंद पुत्र नौरत कोहली के रूप में हुई। एएसआई बहादुर सिंह ने बताया कि मृतक रूपचंद के भाई खेमचंद के द्वारा सूचना दी गई। उसका भाई रूपचंद शराब के नशे में कल शाम घर से 5 बजे निकला था। सुबह सूचना मिली कि वह नाले में पड़ा मिला है और उसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर जेलन अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पंचनामा तैयार कर शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। मृतक शराब का आदी था, शराब के नशे में ही वह कल नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई। आज दिनांक 2/8/22 को जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति नाले में पड़ा हुआ है, जिस पर हमारे थाने से थाना इंचार्ज श्री केसाराम जी थानदार जी मौके पर गए थे। मौके पर एक व्यक्ति की रेलवे लाइन के पास तोपदड़ा में नाले में एक लाश आधी बाहर थी आधी नाले में पड़ी थी वो मिली थी, जिस पर मौके पर श्री खेमचंद पुत्र श्री नौरत कोहली निवासी गुलाब साय का तकिया तोपदड़ा ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया था कि मेरा भाई रूपचंद है, जिसकी उम्र करीब 48 साल है, जो हलवाई का काम करता था। कल रात को ये शराब पी कर के इधर उधर निकल गया था, तो शराब के नशे में नाले में गिर गया, जिसकी लाश सुबह आज संदिग्धता मृत्यु पाई गई। इसकी लाश को जेल ने अजमेर लेकर आए हैं, इसका पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। सुबह छः बजे हमको सूचना मिली है नाले में गिरे पड़े भैया, मैं काम करता हलवाई का, भैया काम करते हलवाई का, कल काम पे गए ही नहीं और रात शाम को 5 बजे के निकले हुए थे। हमें सुबह 6 बजे मालूम पड़ी, कर्मचारी ने मालूम बताया जब हमको मालूम पड़ी। क्या नाम है आपके भाई का? कहाँ रहता है? रूपचंद कुलफा का तकिया चूना भट्टा। क्या लगता है आपका? मेरा बड़े भैया। क्या काम करते हैं? हलवाई का काम करते थे। क्या नाम है आपका? मेरा हलवाई का काम है, मैं हलवाई काम करता हूँ। इसी तरह बड़लिया गांव में सड़क निर्माण कर रहे मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। साथी संदीप ने बताया कि कल शाम खाना खाने के बाद मकान की छत पर टहलते समय जेसीबी ऑपरेटर गणेश करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कर्मचारी संदीप जैन ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य से फ्री होकर सभी घर पहुंचे थे और खाना खाकर गणेश और उसका दोस्त छत पर टहलने गए थे, तभी गणेश करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसे जेलन अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम लोग कल यहाँ पे बल्लिया गांव के अंदर सिस रोड का काम चला था, रोड का, तो क्योंकि हम लोग काम निपटा के कैंप पे गए थे, हम लोग खाना ना खा के नीचे सो गए थे और ये और इसका मिलने वाला था, तो दोनों ऊपर गए थे, ऊपर क्या ये घूमने के हिसाब से गए, तो अचानक लाइट का शॉर्ट सर्किट हुआ, तो जिसके चपेट में आ गए थे, तो उनको आते हम यहाँ पे जेलन लेके आए और उसके बाद डॉक्टर कर दिया। कौन है, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? इसका नाम गणेश है और क्या गोलिया का रहने वाला है। क्या करता था ये? जैसे भी ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर करता था, मजदूरी भी करता था और मजदूर था, ये वो मजदूरी करता था।